यूनिवर्सिटी मीडिया पाकिस्तान को बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की। असल में बात यह है कि चूँकि आजकल हर तरफ कोरोना का आलम है और तालीमी इदारों ने छुट्टियाँ लगाई रखी है, लेकिन हुकूमत ने एक पॉलिसी के तहत ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। बदकिस्मती से हम उस खत्ते का हिस्सा है जहाँ तक 21वीं सदी में भी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ तो दूर की बात है, वहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी नहीं है। आज वज़ीरिस्तान मुस्लिम सोसाइटी की तरफ से पेशावर प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा काल किया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की और इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें जल्द अज जल्द 3G और 4G सर्विस बहाल किया जाए और इसके साथ साथ वहाँ पर जो मोबाइल नेटवर्क का मसला है उनको भी फौरी तौर पर सही किया जाए, क्योंकि वज़ीरिस्तान में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ तो दूर की बात है, वहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं है। तो हमारे लोग इस बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। लोगों को जब इमरजेंसी पेश आती है तो लोग मीलों दूर पैदल सफ़र करके किसी को अपने को रिश्तेदारों को कॉल करते हैं। तो हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि देगर शहरी की तरह वज़ीरिस्तान पर भी रहम करें और वज़ीरिस्तान और दूसरा जो कबाइल इलाका है वहाँ पर जल्द अज जल्द 3G और 4G सर्विस के साथ साथ मोबाइल सर्विस भी हर जगह और हर गांव को हर गांव तक पहुंचाए, ताकि लोग इस मॉडर्न दौर में और लोगों के सामने अपना सफ़र जारी रख सके। अगर हमको इस तरह महरूम रखा गया तो शायद यह हुकूमत के लिए भी नुकसानदेह होगा और हमारे लिए तो बहुत इससे भी नुकसानदेह है, क्योंकि हमारा कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है इसलिए कि हमारे लड़के या तो इंटरनेट करने के लिए बनवा आते हैं या पेशावर आते हैं। तो चूँकि कोरोना का दौर है, लॉकडाउन भी है, लोग घरों से नहीं निकल सकते, इसी दौरान में अगर लड़कों का यही तालीम साल ज़ाया हो गया तो फिर इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल मीडिया ऑफ पाकिस्तान का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने हमें टाइम दिया और कवरेज दिया। जैसा कि आप सबको पता है यहाँ टीचर स्ट्राइक शुरू है और 1.5 माह से तकरीबन एक्सपाटा के आवाम जो इंटरनेट और 3G की डिमांड कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम इसके भरपूर हिमायत करते हैं और इसके साथ शाना बशाना कर रहे हैं। लेकिन मैं आज बिलखसूस शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान का बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर अभी भी आज के दौर में भी न तो मोबाइल टावर लगाए हैं और न मोबाइल सिग्नल है। तो इस सिलसिले में ये स्ट्राइक हमने अरेंज किया है कि पहले हमने मोबाइल टावर लगाए और फिर सिग्नल और फिर इसको फंक्शनलाइज कराए। तो ये मेरा डिमांड है, इस मुताबिक हम निकले हैं। इंशाल्लाह अगर हुकूमत ने हमारे साथ ये मुतालबात तस्लीम नहीं किया गया तो अगले हफ्ते में भी इनके मुताबिक KP के हाथ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरने देंगे। आए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारे पीछे जो लोग हैं वो किस सिल के लिए निकले हैं और किसके लिए एहतजाज मुजाहरे कर रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। आपने देख लिया कि पेशावर क्लब के सामने बहुत सारे लोग जमा हैं और 3G और 4G के अलावा यहाँ तकाल में जो अमेरिका के साथ एक अनुनाक वाक्य पेश आया था इसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं। दूसरे प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलेंगे। पाकिस्तान।